नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट टू एग्जाम फॉर्म 2024 के बारे में। दोस्तों अभी अभी इसके लेकर लिंक एक्टिव कर दिया गया जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। यानी यूजी पार्ट टू सेशन 22-25 के लिए एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव एक फॉर्म भर कर दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट हालांकि अपलोड नहीं करना होता है, केवल फोटो और सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करना पड़ेगा और किस तरीके से पेमेंट करना पड़ेगा। लाइव एक फॉर्म हम आपको भर कर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में आप तक बने रहेगा। फाइनली दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिसे उस पर क्लिक करेंगे बिहार हेल्प का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो अलग अलग प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि देख सकते हैं। तो नीचे की स्क्रॉल डाउन कर देना है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट में देखें तो फर्स्ट में मिल जाएगा LNM पार्ट टू एग्जाम फॉर्म 2024 का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले आर्टिकल पर चलेंगे जहाँ पे पूरी जानकारी बताया गया LNM पार्ट टू एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो नीचे को स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं क्विक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट लिंक, तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट लिंक टू फिल LNM पार्ट टू एग्जाम फॉर्म 2024 और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हेयर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी लिंक आपको ये सामने इस तरीके से शो हो जाएगा जहाँ पे UG पार्ट टू सेशन 22-25 का ऑप्शन दिख रहा है। आपको आपको प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेगुलर है या एक से रेगुलर है तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपके निर्भर करता है आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं या रेगुलर हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, उस पर लॉगिन का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा, यानी आपका पर्सनल डिटेल सारा आ जाएगा जहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह सारा दिखाई देगा, मदर्स के नाम, आपका नाम, सारा चीज़ आएगा। जेंडर आप सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी है, आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर मोबाइल नंबर अगर चाहते हैं दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दूसरा भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि यही रहने देना है तो आप वही भी मोबाइल नंबर रहने देता है। अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यही रहना चाहते हैं तो यही रहने देते हैं। उस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से प्रोग्राम डिटेल्स आ जाएगा, तो जो कि प्रोग्राम डिटेल्स में आप कुछ भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जैसा है तैसा ही रहेगा, तो आपको देख लेना अच्छी तरह से किस प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद नीचे के स्क्रॉल डाउन करने पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का मिलेगा। दोस्तों ये फोटो सिग्नेचर उन लोगों को अपलोड करना है यानी कि जिनका भी शो नहीं हो रहा होगा, यानी कि जैसे सबमिट किए होंगे तो इनका फोटो और सिग्नेचर अगर शो नहीं हो रहा है तो अपलोड कर देंगे। अगर आपको अगर शो हो जा रहा है तो अगर आप चाहते हैं बदलना तो बदल भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते वही रहने देना है तो वही रहने भी दे सकते हैं। तो हमारे केस में सही है, हमारा फोटो सिग्नेचर सही है, अगर आप चाहते हैं तो बदल लीजिएगा, चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर ले लीजिएगा, उस पर क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं बदलना तो बदलिएगा, नहीं चाहते तो रहने दीजिए। उस पर जैसे क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एडिट फॉर्म का ऑप्शन दिखला दी, यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो सुधार भी कर लीजिएगा। और इसमें अगर सही लग रहा है तो सबमिट एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद ओके इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पर कितना आपको पेमेंट करना है उसमें बता दिया जाएगा कि किस तरीके से, जो कि देख सकते हैं हमारे केस में 300 रुपया पेमेंट करना है जो कि इसको लेकर ऑनलाइन मोड दिया गया है, तो आपको 300 रुपया दिखलाई देगा, तो आप अपने देख लीजिएगा। उस पर यहाँ से मेक पेमेंट का जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है यहाँ पे नीचे के स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे देखेंगे तो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखलाई, तो हम ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है, तो पूरा डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग जो भी है, क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ये कर सकते हो। तो पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि किस माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार का ऑप्शन आपको देखने, कन्फर्म जो पेमेंट दिखला है उस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। उस पर यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा कार्ड्स, UPI, QR कोड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार का ऑप्शन देखने को मिला है, तो आपको जिस भी प्रकार से करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम QR कोड के माध्यम से कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उस बाद यहाँ पर दिखाई देगा, देख सकते उस पर QR कोड के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे डिस्प्ले पर QR कोड शो हो गया है, जो कि हम स्कैन करके अपना जो भी है पेमेंट 300 रुपया हम कर देते हैं। आपका UPI पेमेंट ID भी आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपका जो भी एग्जाम फॉर्म जो होगा स्लिप तैयार हो रहा है, आप उसके बाद
आपको डाउनलोड करना है। चलिए हम थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट जो भी है, यहाँ पर हमने पेमेंट रिसिप्ट देख लिया। आप अपना मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा पेमेंट रिसिप्ट, जो भी आपका एग्जाम फॉर्म भरे होंगे उस पेमेंट रिसिप्ट, उसको प्रिंट एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन देख लिया, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट फी रिसिप्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट एग्जाम फॉर्म और प्रिंट फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगता लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।